हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश विसुदीप। और आज का हमारा टॉपिक है माय ग्रैंड मदर्स हाउस। बहुत ही रिलेवेंट है एग्जाम पर्पस के लिए। और वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें। कोई आपको इसका खर्च नहीं पे करना पड़ता, बल्कि हमें ये क्या कराता है, ज़्यादा इंथुजियास्टिक फील कराता है अच्छे वर्क को करने के लिए। तो चलो पहला सवाल लेते हैं हम लोग। हु हैज़ कम्पेयर्ड माई ग्रैंड मदर्स हाउस? माई ग्रैंड मदर्स हाउस किनकी रचना है? कमला दास, के एन दारूवाला, डी एच लॉरेंस या जॉन कीट्स? तो ऑब्वियस सी बात, ये रचना है कमला दास की। ठीक है, हु इज द स्पीकर इन द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस? स्पीकर कौन है? यानी बहुत से ज्यादा तौर पर आई शब्द का इस्तेमाल किया गया है इस कविता में। आई किसको सिम्बोलाइज करता है, ऐसा सवाल भी आ सकता है। तो ये पोएम जो है वो टोटली डेडिकेटेड है कमला दास के पर्सनल रिलेशन से लोग, तो उन्हीं के बारे में होगा। थर्ड क्वेश्चन है माई ग्रैंड मदर्स हाउस इज, माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है वो है क्या आखिर? क्या वो सोनेट है, लिरिक है, बैलेड है या नन ऑफ दिस? तो वो एक लिरिक ही है जिसको कि गाया जा सकता है, गिवन इन्फॉर्मेशन है। अगले सवाल पर आते हैं। विद होम डिड द पोएट लिव ड्यूरिंग हर चाइल्डहुड इन द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस? माई ग्रैंड मदर्स हाउस में एक पर्टिकुलर सेक्शन में दिया गया है कि कवित्री जो हैं वो बचपन में किनके साथ रहती थी और जिनको वो मिस करती हैं आज। ठीक है ना, तो कौन सा वो पर्सन था? क्या वो उनकी मदर थी, उनकी ग्रैंड मदर थी, उनके फादर थे, या फिर वो अकेले रहा करते? तो अपने ग्रैंड मदर के साथ रहती थी, उन्होंने बिल्कुल स्पेसिफाई किया था ये चीज़ को। फिफ्थ क्वेश्चन है माई ग्रैंड मदर्स हाउस फर्स्ट अपियर इन, माई ग्रैंड मदर्स हाउस जो है वो पहली बार अपियर हुआ था कहाँ, मतलब प्रकाशित कहाँ पर पहली बार हुआ था? समर इन कलकत्ता, डिसेंडेंट्स, एनिमेटल पोएम्स या फिर नन ऑफ दिस? तो ये प्रकाशित हुआ था समर इन कलकत्ता में, और अगर ईयर की बात किया तो 1963 में ये प्रकाशित हुआ था। आप इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। इन विच ईयर कमला दास बॉर्न? कमला दास का जन्म किस साल हुआ था? 1930, 1934, 1940 या फिर 1941, 1934? मैं ऑलरेडी कह चुका हूँ, अगर आप ये वीडियो एग्जाम के एक दिन पहले देख रहे हो तो डेट में आप बिल्कुल कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको जो डेट्स याद है बस उसी पर फोकस करो, जो आज पढ़ रहे हो आप वो नहीं याद हो पाएगा पहली बार अगर आप पढ़ रहे हो तो। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। इन द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस द पोएम वॉज, पोएम यहाँ पे नहीं होगा, द पोएट वॉज प्राउड ऑफ। माई ग्रैंड मदर्स हाउस कविता में कवि जो है या कवित्री जो है वो किसको लेकर काफी प्राउड फील करती है? क्या वो उनकी ग्रैंड मदर्स हाउस को लेकर है? क्या उनके अपने इस पर्टिकुलर प्रेजेंट घर पर जहाँ वो रह रही हैं, स्कूल को लेकर है या किताबों को लेकर है? प्राउड ऑफ है, तो प्राउड वो किसको लेकर थी? उस घर को जहाँ पर उनकी ग्रैंड मदर रहती थी और जहाँ उन्हें लव मिलता था। ऑप्शन ए करेक्ट है। एट क्वेश्चन है, विच फिगर ऑफ स्पीच हैज बीन मेंशन इन द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस? कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यहाँ पर मेंशन है माई ग्रैंड मदर्स हाउस में? यहाँ पे पहला ऑप्शन है मेटाफोर, दूसरा है पन, तीसरा है सिमली, चौथा है एपिग्राम। तो मेटाफोर को सिम्बोलाइज किया गया था। देखो फिगर ऑफ स्पीच काफी बड़ा टॉपिक है और बिहार बोर्ड में उतना फिगर ऑफ स्पीच आता नहीं है, आप फिलहाल सिमली और मेटाफोर ही पढ़कर जाओ। सिमली किसको कहते हैं? तो सिमली में क्या होता है कि कंपैरिजन जो है वो एज टाइप से रहेगा, ठीक है ना, एज वर्ड का इस्तेमाल करके। और मेटाफोर में जो है वो डायरेक्ट किसी को कुछ कह दिया जाएगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल को बताता हूँ। अगर कहा जाता है कि राम प्लेज एज गुड एज सचिन तेंदुलकर, तो ये सिमली है क्योंकि मैंने उसकी तरह, सचिन तेंदुलकर की तरह खेलता है वो। तो जहां तरह वर्ड इस्तेमाल होता है वो सिमली होता है। और मैं डायरेक्ट अगर कह दूं कि राम इज सचिन तेंदुलकर ऑफ दिस एरिया, तो यहाँ पे मैंने लाइक शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, एज का इस्तेमाल नहीं किया, डायरेक्ट मैंने क्या कह दिया कि वो उसकी तरह है, सॉरी मतलब वो यही है। तो अगर मेटाफोर किसको कहेंगे कि हम किसी को किसी पर्टिकुलर चीज का उपाधि दे दिए, ठीक है ना, ही इज स्टार ऑफ दिस कॉलेज, तो वो क्या है, इस कॉलेज का स्टार है ना। लेकिन मैंने कहा ही इज लाइक अ स्टार ऑफ दिस कॉलेज, तो लाइक वर्ड का इस्तेमाल हुआ तो सिमली, और डायरेक्ट कंपैरिजन हुआ तो मेटाफोर। आप दो ही याद रखो, इससे ज्यादा नहीं आएगा मैं श्योर। ठीक है, अगर आता है तो स्किप कर सकते हैं भाई, एक दिन पहले क्या तो हो पाएगा। ठीक है, नाइन्थ क्वेश्चन है, इन विच ईयर कमला दास वॉज शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज? नोबेल प्राइज के लिए इनको शॉर्टलिस्ट किया गया था, मिला नहीं था, शॉर्टलिस्ट ही किया गया था। तो हमसे सवाल कह रहा है कि किस ईयर किया गया था, 70 में, 76 में, 1980 में, सॉरी 84 है यहाँ पर, और 1990 में? तो 1984 में किया गया था इनको शॉर्टलिस्ट। ठीक है, आई होप ये करेक्ट आंसर है। अगले सवाल पर आते हैं। इन विच ईयर ऑटोबायोग्राफी ऑफ कमला दास वॉज पब्लिश? किस साल ऑटोबायोग्राफी इनकी पब्लिश हुई थी? 1970, 1976, 1984, 1990? तो 1976 में, आई होप यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, अगले सवाल पर आते हैं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट्स गिवन है, साइरेंस, डिसेंडेंट्स,
ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स, यस अल्लाह नाम याद रखो, ठीक है। देन इमॉर्टल पोएम्स ओनली सेंट्स नो हाउ टू सिंग, ये सारी जो है वो रचना कमला दास की है। अगले सवाल पर आते हैं। द हाउस मेंशन इन द पोएम माई ग्रैंड मदर्स हाउस, माई ग्रैंड मदर्स हाउस कविता में जिस हाउस का जिक्र किया गया है, विथड्रू इनटू साइलेंस, वो जो है वो चुपचाप मानो कि शांत हो गया है वो घर, किसके मृत्यु की वजह से? वो मकान बिल्कुल सुनसान दिखाई देता है, पोएट के फादर की मृत्यु की वजह से, पोएट की मदर की मृत्यु की वजह से, या फिर पोएट की ग्रैंड मदर? तो ऑब्वियस सी बात है, माई ग्रैंड मदर्स हाउस, कोई भी इसको आराम से टिक कर सकता है, नहीं भी पड़ेगा फिर भी, ठीक है ना। व्हाट इज द नेम ऑफ कमला दास ऑटोबायोग्राफी, कमला दास ने एक ऑटोबायोग्राफी लिखी है, उस ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? माई स्टोरी, आवर स्टोरी, ग्रैंड मदर स्टोरी, या सक्सेस स्टोरी? तो उसका नाम है माई स्टोरी, ठीक है। ये बहुत डीप क्वेश्चन पूछ सकता है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो हमारे सारे पोएट्री सेशन भी आज कंप्लीट हुए, ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, बहुत अच्छे से एग्जाम करोगे, अभी भी समय है, आराम से जितनी पढ़ाई कर सकते हो पढ़ो, अच्छी नींद लेना, टेंशन की कोई बात नहीं है, 100 क्वेश्चन रहेंगे, 100 में करने 50 ही, आराम से बिल्कुल सोच सोच कर 1.5 घंटे का टाइम आई थिंक मिल रहा है एग्जाम में भी, ऑब्जेक्टिव के लिए जितना भी समय मिल रहा है प्रॉपर है। याद ये रखो कि गलत ऑप्शन टिक नहीं करना, उसको सर्किल में फिल नहीं कर देना, क्योंकि उसका कोई रिमेडी नहीं है, आराम से सोच सोच कर इसमें 100% श्योर हो उसको ही टिक आउट करना, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं। थैंक यू सो मच।